दोस्तों सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वॉइस ऑफ काशी में। इस समय मैं हूँ मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ जंगल में। मेरे आसपास का नज़ारा आप देख पा रहे हैं, बहुत ही घना जंगल है। लगभग 150 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है और विभिन्न प्रकार के जंगली जानवर यहाँ पे मिलते हैं। विशेषकर टाइगर के लिए मशहूर है ये जंगल। पहले यहाँ के राजा यहाँ पे टाइगर का शिकार करने आते थे, लेकिन जब उनकी संख्या कम होने लगी तो सरकार ने ध्यान दिया कि हम किस तरीके से उनकी सुरक्षा रक्षा कर पाएं। तो टाइगर के संरक्षण के लिए इस पूरे जंगल को रिजर्व कर दिया गया है। और अभी हम चलते हैं आगे, मैं आपको बांधवगढ़ का किला भी दिखाऊंगा। सैकड़ों वर्षों पुराना वह किला है और उसके साथ साथ हम यहाँ नेशनल टाइगर रिजर्व का भी भ्रमण करेंगे। बहुत ही सुंदर नज़ारा दोनों तरफ दिख रहा है, तो बने रहिएगा आप मेरे साथ पूरे वीडियो में। ध्यान से पूरे वीडियो को देखिएगा, बहुत आनंद आने वाला है। बांधवगढ़ के जंगल में मैं आ चुका हूं। हम एक रिज़ॉर्ट पे रुके हैं, टाइगर्स टेल्स नाम का रिज़ॉर्ट है। देखिए बहुत ही सुंदर है, इस वाले रूम में मैं रुका हुआ हूं। ऐसे और भी वहां पे रूम्स हैं अलग अलग, उस तरफ और भी बहुत सारे रूम्स हैं। तो फिलहाल हम इस रूम में रुके हुए हैं। यहाँ से टाइगर रिज़र्व 7.5 किलोमीटर पड़ता है और बांधवगढ़ फोर्ट लगभग 9.5 किलोमीटर पड़ता है। तो अभी तो खैर शाम के 4 बज चुके हैं और हम ट्राई करते हैं दोनों में से किसी एक जगह पे हम आज जाएंगे और उसके बाद ट्राई करेंगे कल मॉर्निंग में मैं दूसरी जगह जाऊंगा। और जहाँ जहाँ भी मैं जाऊंगा आप हमारे साथ बने रहेंगे, मुझे पता है, और मैं पूरा प्रयास करूँगा कि मैं जहाँ जहाँ जाऊँ उन सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से आपको दिखाऊँ। ठीक है, तो बने रहिएगा मेरे साथ पूरे वीडियो में। आइए तब तक मैं आपको अपना रिजॉर्ट दिखाता हूँ जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ। ये रूम्स यहाँ पे सेपरेट बनाए गए हैं हर्ट्स के शेप में। एक स्विमिंग पूल है, साफ़ सुथरा है स्विमिंग पूल, मैंने इसको पास से देखा। और काफ़ी हरियाली है, खैर जंगल में है तो हरियाली होगी ही। और इसी के साथ यहाँ पास आइए, आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। वहाँ पे एक बॉन फायर के लिए भी स्पेस दिया गया है, लोगों को बैठने के लिए कुर्सियाँ लगाई गई हैं। और वहीं पे पास में मेस है, शाम को हम लोग उसी मेस में खाना खाएंगे। और देखता हूँ क्या क्या यहाँ पे मिलेगा,
अभी मैंने थोड़ी देर पहले मेनू देखा तो काफ़ी वेराइटीज़ हैं उसमें, और हम सोच रहे हैं आज शाम को चिली पनीर खाएंगे और नान लूंगा। और प्राइस भी ऑलमोस्ट ठीक ही था, बहुत महंगा भी नहीं है और सस्ता भी नहीं है। देखते हैं क्या है। वैसे तो ये पूरा मेस है, भोजन मिलेगा शाम को इसमें हम सबको। ये बांधवगढ़ का मैप है, काला रेंज, इस पे बांधवगढ़ फोर्ट हिल और बहुत सी चीज़ें यहाँ पे बनी हुई हैं। खितौली रेंज और दमना, मगधी रेंज, कुलवा रेंज, ये ओवरऑल पूरा मैप यहाँ पे बना के दिखाया हुआ है। इसके अकॉर्डिंग आप चाहें तो घूम सकते हैं, कोई भी चाहे तो घूम सकता है। और सारी टेबल यहाँ पे साफ़ सुथरी है, वैसे सजावट भी बहुत अच्छी है। अभी पीछे देखते हैं क्या क्या है। हर्ट्स के शेप के बहुत सारे रूम्स, सेपरेट रूम सारे यहाँ पे बने हुए हैं। यहाँ वो एक झूला लगा है अपना बैठ करके झूला। वहाँ एक जीप भी रखी हुई है, जो सफारी के लिए जो लोग जाना चाहते हैं वो उसी जीप का यूज़ करते हैं। और किराया नियर अबाउट 5,000 रुपये है, एक बार जीप जाती है तो 5,000 रुपये लगते हैं। और वो आपको पूरा अंदर से बांधवगढ़ का फोर्ट भी दिखाते हैं, टाइगर पूरा आपको टाइगर रिजर्व दिखाएंगे, उसमें बफर जोन और कोर जोन दोनों ही दिखाते हैं। उसमें पॉसिबिलिटी रहती है कभी कभी रास्ते में टाइगर भी दिख सकते हैं आपको, और दूसरे जानवर तो दिखते ही हैं, हिरण और भी जानवर। यार सब गड़बड़ हो गया यार, हम लोगों ने क्या क्या सोचा था, कहाँ कहाँ घूमेंगे बांधवगढ़ चल के। हम अभी टाइगर रिजर्व जाने के लिए सोच रहे थे और बांधवगढ़ का फोर्ट हमें देखना था। अभी यहाँ हमारे रिजॉर्ट पे एक भाई साहब से बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि उसका कोर जोन अभी बंद है और 1 अक्टूबर से वहाँ पर चालू होगा, उसके 1 अक्टूबर के बाद ही हम वहाँ पे जाकर देख पाएंगे। तो दोस्तों अभी तो हम यहाँ पे आ गए हैं, रुकने का तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। और उसके साथ दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ से हम कल मैहर देवी के लिए निकलेंगे और वहाँ का वीडियो मैं आपको बना के दिखाऊंगा, मेरे चैनल पे आप उसको देख पाएंगे। और फिलहाल ये बांधवगढ़ का फोर्ट और जो टाइगर रिजर्व है उसका तो प्लान कैंसिल हो गया, लेकिन फिर भी बहुत मज़ा आया। दोस्तों नमस्कार, सुबह के 10 बज रहे हैं और अब मैं अपने रिजॉर्ट को यहाँ से छोड़ रहा हूँ। अब हम लोग यहाँ से चलेंगे मैहर देवी का दर्शन करने। अभी तक तो मैंने बताया भी आपको कि जैसा कि मैंने अभी पीछे बताया अभी कि हमें टाइगर रिज़र्व भी देखना था और यहाँ बांधवगढ़ का फोर्ट भी देखना था, लेकिन वहाँ पर अभी अलाउ नहीं था तो हम वहाँ नहीं जा पाए। लेकिन फिर भी जहाँ तक हम लोगों ने इस एरिया को कवर किया और जैसा कि मैंने भी आपको दिखाया, बहुत ही सुंदर जगह है और मज़ा आया। जितनी भी जगहों पे मैंने यहाँ पे आने वाले रास्तों को मैंने एंजॉय किया और रिज़ॉर्ट को भी मैंने एंजॉय किया। और बस अब हम निकल रहे हैं, यहाँ मेरी गाड़ी है। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दूसरों से भी शेयर करिएगा, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। मेरी यहाँ देखिए गाड़ी भी है और अब हम इस गाड़ी पर बैठ के निकल रहे हैं मैहर देवी का दर्शन करें, ठीक दोस्तों।